हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव वर्मा ब्लॉग। सो फ्रेंड, यहाँ पे मेरी शॉपिंग हो चुकी है। जैसे कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग में दिखाया था कि मैं शॉपिंग की, मैंने कुर्ते वगैरह की, अपने हस्बैंड ने भी थोड़ा बहुत शॉपिंग की। इसके बाद गुरपुरब का डे है, तो फ्रेंड मैं आ गई थी यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब, जो कि है दुखनिवार साहिब। तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। गुरुपुरब डे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है एंड बहुत ज़्यादा जो गुरुद्वारा साहिब बहुत ज़्यादा यहाँ पर चमक धमक होती है, मतलब उसको सजा रखा होता है बिल्कुल। देखिए लाइटिंग कितनी अच्छी हो रखी है, बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है यहाँ पर आके देख करके। तो देखिए ऊपर से नीचे तक हर जगह पे बहुत ज़्यादा रोशनी रोशनी है। तो यहाँ पे गर्म दूध का लंगर था जो कि हमने छका, एंड मीठे चावल का लंगर था वो भी हमने छका, क्योंकि हमें थोड़ी सी ठंड लग रही थी, बाहर से आए थे। एंड जो मेरी फ्रेंड किरण थी, मेरी सिस्टर एंड की फ्रेंड थी, उनको वो जॉब से आए थे, तो वो जॉब पर से आई थी, तो उनको भी थोड़ी सी भूख लग चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि हमें पहले गर्म दूध पियेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अंदर। तो उन्होंने गर्म हमने हम सब ने गर्म दूध का लंगर छका, इसके बाद अंदर आ चुका था। देखिए फ्रेंड कितना ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब मेरे ख्याल से भूल चुके हैं कि कुछ चल भी रहा है कोरोना वगैरह। तो किसी ने मास्क लगा रखा, किसी ने नहीं भी लगा रखा। एंड उसके बाद माथा टीका अच्छा तरीके से, एंड उसके बाद हम चलेंगे सरोवर की तरफ। तो देख लीजिए फ्रेंड अंदर का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस टाइप से हम चल चल के जा रहे थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रास्ता था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वैसे, तो फिर भी आधा घंटा तो लग ही गया था अंदर भी। ये देखिए लाइन आपको सामने दिख रही होगी मेन गेट से, बहुत ज़्यादा रास्ता। तो फिर यहाँ पे तो मैंने आवाज़ म्यूट कर दी, लेकिन थोड़ा सा वॉइस आपको मैं ओरिजिनल में सुनाऊँगी, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है सबूत को सुनकर। सो फ्रेंड यहाँ पे मैं आ चुकी माथा टेक कर बाहर। आप सबने माथा टेक लिया है ना, सभी लोग टेक लीजिएगा माथा, जो भी पंजाब के बाहर के लोग वो सब लोग। एंड जब मुझे लगता नहीं जब पंजाब के अंदर के लोग होंगे वो तो जाएंगे ही, गई होंगे हर एक गुरुद्वारा साहिब के अंदर जहाँ के भी होंगे, मतलब पटियाले के। हम लोग तो पटियाले के हैं तो हम यहाँ पे आए थे, लेकिन जो बाहर के अमृतसर वगैरह के हैं तो वहाँ पे गए होंगे, हर जगह पे गए होंगे। तो फिर ये वाला जो है यहाँ पे ये न्यू बना है, तो मैंने 1 ईयर के बाद आई हूँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा। यहाँ पे थोड़ा सा गुरु जी के इतिहास को दिखाया गया है, तो यहाँ पे ये न्यू बना है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बिल्कुल न्यू सा था। तो मैंने देखा एंड थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो फ्रेंड ये बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, तो चलते हैं सरोवर की तरफ। एंड फ्रेंड उसके पहले हम कैंडल्स को जलाएंगे, एंड इसके बाद हम सरोवर में स्नान भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम हम स्नान तो नहीं करेंगे, लेकिन हम माथा वगैरह टेक के हम बाहर को निकल जाएंगे केक लेने। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे मोमबत्ती वगैरह जला लेते हैं, मतलब कैंडल्स वगैरह जला लेते हैं। यहाँ पर मैं किरण उनके फ्रेंड जला रहे हैं। तो हम तीनों ने तो मास्क नहीं लगा रखा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने लगा रखा था, कई लोगों ने लगा रखा था, कई लोगों ने नहीं लगा रखा था। तो हम तो अपना थोड़ा सा माथा टेकने में एंजॉय करने में लगे हुए थे, हमने कोई ज़्यादा देखा ही नहीं, हमारे दिमाग से निकल गया कि हाँ कुछ कोरोना वायरस वगैरह चल रहा है, हमें मास्क लगाना चाहिए। लेकिन हाँ जेब में रखा हुआ था, लेकिन हमने लगा नहीं रखा था, लेकिन फ्रेंड लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने माथा टेका, कैंडल जलाई, एंड इसके बाद चलेंगे सरोवर की तरफ। यहाँ पे फिर उनके फ्रेंड जला रही थी कैंडल्स, क्योंकि वो एक दो मतलब वीडियो बना रही थी रील्स में, तो इसीलिए फिर थोड़ा टाइम लग गया। तो यहाँ पे देखिए गुरुद्वारा साहिब दूर से कैसा लग रहा है, सरोवर की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जगमगा रहा था पूरा लाइटिंग से। तो मेरे हस्बैंड का कोई कॉल वगैरह आ गए थे, तो देखिए उन्होंने मास्क लगा रखा, लेकिन हम तीनों ने नहीं लगा रखा। तो ये भी जलाएंगे यहाँ पे कैंडल, किरण की पिक वगैरह क्लिक कर रही है। तो अपन कैंडल जलाने के साथ ही जलेंगे हम सर्वर के अंदर, है थोड़ा सा वहाँ पे मैं आपको कुछ और भी दिखाऊंगी, जो कि इसमें बड़ी बड़ी सी फिश भी हैं इस सर्वर के अंदर। तो मैंने ये रही मैं, तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे, तो मेरा ये खुल चुका था, तो मैंने बांध लिया दोबारा से, क्योंकि नंगे सर नहीं रहना चाहिए। दुपट्टा लो या फिर अपना रुमाल वगैरह रखो सर के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने पानी वगैरह के मैं माथा टेका, एंड उसके बाद मैं आपको फिश दिखाती हूँ थोड़ी सी। तो ये देखिए हमें फिश आ रही है एक दो, ये देखिए कैसे जा रही है, काली काली सी फिश है, बिल्कुल ब्लैक सी। तो हमने रात का टाइम था, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था हर जगह से, लाइटिंग थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया था। तो फिर यहाँ पे हम आ चुके हैं जिग्गी,
बेकरी के रेस्टोरेंट में, तो फिर उनके दो फ्लोर में है, ऊपर खाने का सिस्टम था, नीचे थी मिठाइयाँ एंड केक। तो मिठाई हाँ ऑर्डर करेंगे हम थोड़ा टेस्ट वगैरह करके। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी मिठाई की तो, लेकिन हाँ केक का आई थिंक सेल हो गए थे, थोड़ा कम थी वैरायटी हमें, लेकिन हमें तो चॉकलेट वाला ही चाहिए था। तो चॉकलेट वाला दो तीन केक थे, तो उसमें से हमने एक डिसाइड किया, और इसके बाद हम थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर को। तो फ्रेंड जो केक कटिंग की वीडियो है वो तो जा चुकी है, हमने एक मॉर्निंग में बिल्कुल रात में केक काटा था 3 बजे, एंड वो भी वीडियो जा चुकी है फर्स्ट। एंड उसके बाद फ्रेंड हमने नाइट में यहाँ से केक ले जाकर रात में 10 बजे, रात 10-11 बज गए थे, फिर रात को काटा था हमने केक, उसकी वीडियो जा चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उस सभी का लिंक जो होगा इससे पहले की वीडियो का, शॉपिंग का एंड उस बर्थडे केक वगैरह का कटिंग का जो भी वीडियोस हैं सब मैं इसके लिंक में दे दूँगी, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। उन सब वीडियो को देखोगे तभी आपको थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो सब वीडियो मैं जब मैं थी मायके में तभी मैंने वो इनका जो बर्थडे था बर्थडे का सारा मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया था। लेकिन हाँ थोड़ा घूमने फिरने का शॉपिंग करने का थोड़ा मैंने लेट किया, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, पैकिंग हो गया, फिर हमें आना भी था एंड आने में दिक्कत हो रही थी, सारे जो वाहन चल नहीं रहे थे एंड बसें वगैरह भी बंद थी, बहुत ज़्यादा कम चल रहे थे, जो प्राइवेट होती है बस वही चल रही थी। तो इसीलिए फिर हमने बहुत मुश्किल से हम लोग आए, फिर थोड़ा इसीलिए फिर ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे पाई इन सब पे क्या एडिटिंग करने पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैं एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था, इसलिए मैं नहीं कर पाई। फिर आने में ज़्यादा ध्यान था आने में, फिर यहाँ पे ससुराल में आके बहुत ज़्यादा काम था, हर जगह गंदगी थी, बहुत ज़्यादा काम हो गया था, एक तरह से लगा लो जैसे घर बंद था वैसा हो गया था। तो फिर यहाँ को करने वाला था, मेरे ससुर जी पापा जी थे, मैं देवर मम्मी जी थे, तो सभी लोग जॉब वाले हैं, तो ज़्यादा काम नहीं हो पाया था घर पे। तो फिर आके यहाँ पे मैं 2 दिन तक मैंने काम किया, उसके बाद थोड़ा सा फ्री हुई, इसके फिर मैं आपके साथ मैंने शेयर करना शुरू कर दिया जो भी मेरे ओल्ड ब्लॉग थे। तो फिर जैसे ही मेरे ओल्ड ब्लॉग मेरे माई के ब्लॉग ख़त्म होते उसके बाद मैं अपने ससुराल के ब्लॉग आपसे शेयर करूँगी, तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ में एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करा करें एंड शेयर भी कर दिया करें ताकि और लोग जुड़ सकें मेरे साथ में। एंड कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह होती तो आप लोग दे सकते हो, मुझे बता सकते हो, मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन थोड़ी सी अच्छी वीडियोस की रिक्वेस्ट ही क्या करें, तो मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी करूँ आपसे की रिक्वेस्ट। तो फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी बेकरी वगैरह, तो यहाँ पर हमने मिठाई का ऑर्डर दे दिया हमें टेस्ट करके जो अच्छा लगा हमें। तो यहाँ पर हमने केक लेना था चॉकलेट वाला, क्योंकि मुझे चॉकलेट वाला ही पसंद है, तो जो किरण लाए थे मॉर्निंग में वो भी चॉकलेट वाला था, और इसके बाद नाइट में जब मैंने बाय किया वो भी चॉकलेट वाला ही किया था। तो जो मैंने जो नाइट में हमने केक काटा था वो ज़्यादा चॉकलेटी हो गया था, बहुत ज़्यादा ब्लैक चॉकलेट था, तो वो वाला हमने ऑर्डर कर दिया। इसके बाद फ्रेंड ऑर्डर करने के बाद हम कुछ खाने के लिए ऊपर चले जाएंगे, नीचे ये तब तक ये पैक कर देंगे बना करके केक को। तो फिर यहाँ पर हमने मोमोज एंड चाउमीन खाई, मतलब नूडल्स खाए एंड मोमोज खाए थे, मेरे सिस्टर एंड फ्रेंड उनकी, तो ये सब खाएंगे। इसका फ्रेंड हम घर को निकल जाएंगे, तो फ्रेंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू।